हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति, उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका वीडियो नंबर 16 की, जिसमें आज हम बच्चों कोरोजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बैटरी, उसके अंदर सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी, आप जो भी बोलो, एज वेल एज द फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस किया था। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग अबाउट द कोरोजन। कोरोजन क्या है, कैसे होता है, उसको कैसे अटकाना है, ये सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले। सबसे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। पुराने वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन को प्रेस करोगे बच्चों, तो आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। नाउ फर्स्ट, कोरोजन क्या है। कोरोजन जो है स्लोली कोट्स द सर्फेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विद द ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर कोटिंग हो जाता है। किसकी वजह से, ऑक्साइड या फिर कोई दूसरे सॉल्ट की वजह से, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, आयरन, रस्टेड आयरन नेल वो दिखाई गई है, ठीक है। देन हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर जो रहता है उसके ऊपर की ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोरोजन। देन दी कॉपर यूटेंसिल्स जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कॉपर के बर्तन रहते हैं उसके ऊपर भी ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। ओके, सो ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये सभी क्या है, कोरोजन के एग्जाम्पल्स है। देन इट कॉजेस इनॉर्मस, मीन्स बहुत जबरदस्त डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिज, शिप्स एंड टू द ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स, स्पेशली दैट ऑफ आयरन, यानी कि जो लोखंड, आयरन जो होता है उसका जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, वो सभी में क्या रहता है कि कोरोजन, रस्टिंग हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, कोई भी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का ओवरऑल देखो तो। हियर आर द सम ऑफ द पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। ये रामेश्वरम साउथ इंडिया का ब्रिज दिखाया गया है यहाँ पे, ये रूफ, ठीक है, एंड देन इन हाउस स्पेसिफिकली आयरन से बने हुए आयरन रूफ, एंड देन ये सिप, ठीक है। तो मीन्स उसकी वजह से, कोरोजन से बहुत सारा नुकसान होता है। नाउ वी लॉस क्रोर्स ऑफ रूपीज एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन। कोरोजन की वजह से करोड़ों रुपए हमारे खर्च होते हैं एवरी ईयर, ठीक है। देन इन कोरोजन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म द ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कि यहां पे आयरन दिखाया गया है, तो आयरन की सरफेस के ऊपर कोटिंग हो जाता है मेटल ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का, okay? उसमें कोरोजन जो है, कोरोजन ऑफ आयरन, कॉमनली नोन एज एन रस्टिंग बोलते हैं उसको, रस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स, वन इज वॉटर एंड सेकेंड इज एयर। तो रस्टिंग होने के लिए दो चीजें चाहिए, आपको याद रखनी है, वन इज वॉटर एंड द सेकेंड वन इज ओ टू, दैट इज एयर। अगर ये दोनों चीज मेटल की सरफेस को मिल रही है, मतलब कि वो रस्टिंग होना स्टार्ट कर देगा। देन द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट अगर उसको समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना लेके हम समझ सकते हैं। तो उसके अंदर सपोज वी हैव टेकन द वन मेटल पीस, पर्टिकुलर स्पॉट उसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा जो एनोड की तरह काम करेगा, और उसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है ऑक्सीडेशन की। देखो, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट स्पॉट बिहेव्स एज एन एनोड,
एंड वी कैन राइट द रिएक्शन फॉर द सेम. तो रिएक्शन ऐसा होगा 2Fe एनोड पे Fe प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. वो दौरान का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0.44 वोल्ट नेगेटिव में. नाउ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट द एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू द अनदर स्पॉट. एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाएंगे मेटल के थ्रू एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस. नाउ ये H प्लस कहां से आएगा, विच इज बिलीव दैट बी अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड फॉर्म ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन टू द वॉटर. मीन्स H2O प्लस CO2 कंबाइन होकर जो कार्बोनिक एसिड बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड H प्लस प्रोवाइड करता है. हाइड्रोजन आयन इन वॉटर मे ऑल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ अदर ऑक्साइड्स, अदर एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द एटमोस्फियर. नाउ ये जो स्पॉट है वो कैथोड की तरफ भी काम करेगा और वहां पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, कैथोड O2 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर 2 वाटर मोलिक्यूल्स एंड वो दौरान का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें 1.23 वोल्ट मिलने वाला है. नाउ ऑक्सीडेशन दैट इज आयरन इज कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस 2 एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही आयरन Fe प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एंड 2 मिला के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो रिडक्शन में O2 दिस वन कंबाइन विथ 4H प्लस ये रहे, कंबाइन विथ 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, के यू विल बी गेटिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 2H2. देन एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है, 2Fe प्लस 2 कंबाइन विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस O2 ये रहा. देखो Fe प्लस 2 2 वाटर मॉलिक्यूल्स Fe प्लस 2 O2 के साथ कंबाइन होके हमें देने वाला है Fe2O3 दैट इज रस्ट एंड 4H प्लस. नाउ द ओवरऑल रिएक्शन आप लिखो तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन प्लस O2 प्लस 4H प्लस, राइट में हमें देने वाला है 2Fe प्लस 2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. वो दौरान का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा 1.67 वोल्ट. नाउ द फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन दैट इज दिस वन टू फेरिक आयंस. तो फेरस आयन का कन्वर्जन हो रहा है फेरिक आयन में विच कम आउट एज अ रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. अभी आपको वन मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आपको ये लिखना है दैट इज Fe2O3 डॉट XH2O. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट. ओके एंड फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स. देन हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग और क्रोजन. टू प्रिवेंट द सर्फेस एनी हाउ वॉट यू टू डू द सर्फेस ऑफ मेटल, जो मेटल की सर्फेस होती है उसको आपको प्रिवेंट करना है दो चीजों से, एक है वॉटर और दूसरा है O2. अगर ये दोनों से आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रस्टिंग यू कैन प्रिवेंट इट. बिकॉज स्टार्टिंग में ही हमने बोला कि कोरोजन कैसे होता है, क्यों होता है, कोरोजन के लिए जवाबदार कौन है, तो ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अगर ये दोनों चीजें कोई भी मेटल की सरफेस को ना मिले तो आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो. तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोटिंग करना पड़ता है. ओके फिर कोटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं सरफेस को प्रिवेंट करने के, तो देखते हैं एक एक करके. नाउ द फर्स्ट वन, दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विद द पेंट. पेंट करो भाई, रंग लगाओ बाय सम ऑफ द केमिकल्स, बिस्फिनॉल कुछ केमिकल लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पेंटिंग कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं. देन अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स. दूसरे कुछ मेटल्स रहते हैं ठीक है, उनका कोटिंग कर देना है. आयरन के ऊपर सपोज जिंक का कोटिंग कर लो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे SN एंड ZN दिया गया है. ओके दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को बचा लेंगे ये ठीक है. देन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल. कोई दूसरे मेटल अपने आप अपना खुद का बलिदान देते हैं दूसरे मेटल के लिए. सपोज कि आयरन हो तो आयरन की सरफेस के ऊपर सपोज जिंक का कोटिंग कर ले तो ये जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करेगा, उसको हम सेक्रीफिशियल एनोड बोलते हैं जिंक को.
विच कोरोड्स इटसेल्फ बट सेव्स द ऑब्जेक्ट, वो अपने आप तो कोरोजन हो जाएगा बट अंदर जो एलिमेंट या फिर मेटल भरा हुआ है उसके अंदर जो है, जिसके ऊपर खुद का कोटिंग किया गया, वो अंदर वाले का, अंदर वाला जो मेटल रहता है उसको कुछ नहीं होने देगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. और ये आज का सेशन, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल देवांग सर केमिस्ट्री, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, उसमें वीडियो की लिंक फॉरवर्ड की जाती है. ठीक है, थैंक यू.